नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं मोटर फाइव। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई थार। जी हां, ये 2021 मॉडल है और इसके अंदर जो है कुछ कमियां हैं। जो बेसिकली क्या है, आज सभी लोग थार की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी पर एक एक साल की वेटिंग हो चुकी है। दोस्तों गाड़ी बहुत बढ़िया है, नो डाउट बहुत फर्स्ट क्लास गाड़ी है, लेकिन कुछ कमियों के साथ में जब इसको लॉन्च किया गया है ना, वो कमियां बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने आपको दिखाई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस थार के अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको बहुत दुखदायी होंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज पूरी देखिएगा, और उसके बाद में थार को लेने का डिसीजन अगर आप बना रहे हैं तो आप अपना बनाइएगा, लेकिन पहले पूरी वीडियो देखिए, आपको यकीनन काफी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की कीज़ के बारे में। जी हाँ, गाड़ी की कीज़ आपके सामने है और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक की के अंदर आपको रिमोट मिलता है और दूसरी के अंदर रिमोट नहीं मिलता है, वो एक डमी की है। इतनी कंजूसी महिंद्रा को नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली थार के लिए जब हम 16 लाख की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं। खासतौर से टॉप मॉडल में मुझे लगता है दोनों की इनको दे देनी चाहिए थी। ये परेशान तब कर सकती है जब आपकी एक की के अंदर यानी कि रिमोट की के अंदर सेल खत्म हो जाए, और सेल खत्म होने के बाद में आपको डमी कीज के अपनी गाड़ी को जो है ऑन करना पड़ेगा या लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, उस वक्त ये सायरन देना शुरू कर देगी, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं ये कंजूसी कभी ना कभी गाड़ी खरीदने वालों पर भारी पड़ सकती है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों इसके फ्यूल लिड की, जो सिर्फ चाबी से ऑन होता है। जी हाँ, आप अपने फ्यूल लिड को गाड़ी के अंदर से ऑन नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, जिसकी वजह से जब भी आप पेट्रोल डलवाना चाहेंगे तभी आपको गाड़ी से बाहर आकर इस फ्यूल लिड को खोलना पड़ेगा। और खोलना ही नहीं दोस्तों, ये बंद भी नहीं होता है जब तक कि आप चाबी से इसको दोबारा से अनलॉक नहीं करते, यानी कि तब तक आपको खड़े रहना है जब तक कि आपका डीजल या फिर पेट्रोल आप जो भी गाड़ी यूज़ करते हैं वो भर नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई इस फ्यूल लिड का जो है उपाय करना चाहिए। वैसे आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन काफी कॉस्टली हैं, जिससे आप गाड़ी के अंदर बैठे या रिमोट से ही जो है फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम भी यकीनन अच्छी चीज नहीं है, जो थार को मुझे लगता है जैसे नाम को सूट नहीं करती है। यहाँ अगला नंबर आता है थार का बूट स्पेस एक्सेस करना। जी हाँ, अगर आप गाड़ी के बूट स्पेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो यानी कि आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप पहले गेट ओपन करेंगे और फिर इसके शीशे को जो है टिल्ट करेंगे, तभी आप इसके बूट स्पेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। और इसको बंद करने का भी एक यही तरीका है कि पहले आप इसका जो शीशा है वो आप इसको बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आप अपने बूट स्पेस का जो दूसरा दरवाज़ा है उसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब दोस्तों आ जाती है इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है इसका बोनट। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी गाड़ी खोलेंगे तो आप जैसे अगर आप उसका अंदर से जो बोनट है वो ओपन कर लेते हैं तो उसका बोनट जो है थोड़ा सा उठ जाता है, तो आपको पता रहता है कि हाँ भाई इसका बूट खुला हुआ है, मतलब इसका जो बोनट है वो थोड़ा सा ओपन है नहीं है। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि ये बिल्कुल ऐसा चिपका होता है, अगर आप इसको उठाएंगे तो आपको पता चलेगा ये तो खुला हुआ है, बिना इसके आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है ओपन है कि नहीं है। झटके से बंद करेंगे तो आपका बंद होगा, उसमें भी हो जाता है कभी कभी कि अगर बंद नहीं होता। ऐसे में मैं आपको बताऊं दोस्त क्या होता है, अगर गलती से कभी आपने बोनट खोला है और अगर आपका बोनट ओपन हो गया है तो ये जो इसके सपोर्ट में बनाए हुए हैं दोस्तों, ये क्या होता है, इन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें सिर्फ बोनट का ये पता ना लगने की वजह से कि भी इसका बोनट ओपन है, ये जो साइड में सपोर्ट लगाए गए हैं ये इस वजन को सपोर्ट नहीं कर पाते और 70-80-90 की स्पीड पर तेज़ हवा में बोनट ऊपर उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं लगता कि ये लॉक है कि अनलॉक है। बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, मैं भी कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर एक आधा स्पेस जो है वो दिखा दूँ, एक आधी पिक्चर आपको दिखा दूँ, जिससे पता रहे कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ में हो चुकी है। कि खुला है ये पता ना चलने की वजह से देखो किस तरह से लोगों ने फेस किए प्रॉब्लम, और ये एक्सीडेंट हो गया, ये चलती गाड़ी का ही खुल गया और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये देखो किस तरह से। दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर आता है थार के अंदर यानी कि ऑटोमेटिक स्पेशली थार के अंदर डेड पैडल ना होने का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में बहुत नैरो स्पेस बचता है, जिसकी वजह से आप जब गाड़ी से अपना पैर हटाते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त आपके पास में जो आपका दूसरा पैर है उसके लिए जगह ही नहीं बचती, आपको पीछे ही रखना पड़ता है। और यहाँ अगला नंबर आता है गाड़ी की रियर सीट को एक्सेस करना। जी हाँ, अगर आप गाड़ी की रियर सीट को एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत कम स्पेस है, आप देख सकते हैं कितना नैरो स्पेस है जहाँ से आपके आपको गाड़ी के पिछले वाली सीट को एक्सेस करना होता है। इसी नैरो स्पेस की वजह से प्रॉब्लम आती है कि जब आप गाड़ी से निकलते हैं तो भी आप बहुत मुश्किल से निकलते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क हो जाती है गाड़ी से बाहर निकलना, तो यानी कि आप फैमिली पर्पज़ से इस गाड़ी को यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा फिलहाल ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से थार कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। आपको क्या लगता है कि ये कमियां क्या आपके लिए मैटर करती हैं? अगर आपके लिए मैटर करती हैं तो दोस्तों मुझे बताइएगा जरूर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।